पीपीई किट्स और टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर कोविड केयर और ट्रीटमेंट से जुड़े मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बड़ा नेटवर्क आज भारत में बना है, वो काम अब भी चल रहा है और वो इसी का परिणाम है। आज देश के दूर सुदूर में अस्पतालों तक भी वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स पहुंचाने का भी तेज गति से प्रयास किया जा रहा है। 1,500 से ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट्स बनाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है और हिंदुस्तान के हर जिले में पहुंचने का एक भगीरथ प्रयास है। इन प्रयासों के बीच एक स्किल्ड मैनपावर का बड़ा पूल होना, उस पूल में नए लोग जुड़ते रहना, ये भी उतना ही जरूरी है। इसी को देखते हुए कोरोना से लड़ रही वर्तमान फोर्स को सपोर्ट करने के लिए देश में करीब 1,00,000 युवाओं को ट्रेन करने का लक्ष्य रखा गया है। ये कोर्स 2-3 महीने में ही पूरा हो जाएगा, इसलिए ये लोग तुरंत काम के लिए उपलब्ध भी हो जाएंगे और एक ट्रेंड सहायक के रूप में वर्तमान व्यवस्था को काफी कुछ सहायता देंगे, उनका बोझ हल्का करेंगे। देश के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की मांग के आधार पर देश के टॉप एक्सपर्ट्स ने क्रैश कोर्स डिजाइन किया है। आज 6 नए कस्टमाइज कोर्स लॉन्च किए जा रहे हैं। नर्सिंग से जुड़ा सामान्य काम हो, होम केयर हो, क्रिटिकल केयर में मदद हो, सैंपल कलेक्शन हो, मेडिकल टेक्नीशियन हो, नए नए उपकरणों की ट्रेनिंग हो, इसके लिए युवाओं को तैयार किया जा रहा है। इसमें नए युवाओं की स्किलिंग भी होगी और जो पहले से इस प्रकार से काम में ट्रेंड हो चुके हैं उनकी अपस्किलिंग भी होगी। इस अभियान से कोविड से लड़ रही हमारी हेल्थ सेक्टर की फ्रंटलाइन फोर्स को नई ऊर्जा भी मिलेगी और हमारे युवाओं रोजगार के नए अवसर के लिए उनके लिए सुविधा बनेगी। साथियों, स्किल, रीस्किल और अपस्किल, ये मंत्र कितना महत्वपूर्ण है ये कोरोना काल ने फिर सिद्ध किया है। हेल्थ सेक्टर के लोग स्किल तो है थे ही, उन्होंने कोरोना से निपटने के लिए बहुत कुछ नया सीखा भी, यानी एक तरह से उन्होंने खुद को रिस्किल किया। इसके साथ ही उनमें जो स्किल पहले थी उसका भी उन्होंने विस्तार किया। बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपनी स्किल को अपग्रेड या वैल्यू एडिशन करना, ये अपस्किलिंग है और समय की यही मांग है। और जिस गति से टेक्नोलॉजी जीवन के हर क्षेत्र में प्रवेश कर रही है, तब लगातार डायनेमिक व्यवस्था अपस्किलिंग की अनिवार्य हो गई है। स्किल, रीस्किल और अपस्किल के इस महत्व को समझते हुए देश में स्किल इंडिया मिशन शुरू किया गया था। पहली बार
अलग से कौशल विकास मंत्रालय बनाना है। देश भर में प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र खोलना हो, आईटीआई की संख्या बढ़ाना हो, उनमें लाखों नई सीट जोड़ना हो, इस पर लगातार काम किया गया है। आज स्किल इंडिया मिशन हर साल लाखों युवाओं को आज की जरूरत के हिसाब से ट्रेनिंग देने में बहुत बड़ी मदद कर रहा है। इस बात की देश में बहुत चर्चा नहीं हो पाई कि स्किल डेवलपमेंट के इस अभियान ने कोरोना के इस समय में देश को कितनी बड़ी ताकत दी। बीते साल जब से कोरोना की चुनौती हमारे सामने आई है, तब से ही कौशल विकास मंत्रालय ने देश भर के लाखों हेल्थ वर्कर्स को ट्रेन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डिमांड ड्रिवन स्किल सेट तैयार करने के लिए जिस भावना के साथ इस मंत्रालय को बनाया गया था, उस पर आज और तेजी से काम हो रहा है। साथियों, हमारी जनसंख्या को देखते हुए हेल्थ सेक्टर में डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल से जुड़ी जो विशेष सेवाएं हैं, उनका विस्तार करते रहना उतना ही आवश्यक है। इसे लेकर भी पिछले कुछ वर्षों में एक फोकस अप्रोच के साथ काम किया गया है। बीते 7 साल में नए एम्स, नए मेडिकल कॉलेज और नए नर्सिंग कॉलेज के निर्माण पर बहुत ज्यादा बल दिया गया। इनमें से अधिकांश ने काम करना शुरू भी कर दिया है। इसी तरह मेडिकल एजुकेशन और इससे जुड़े संस्थानों में रिफॉर्म्स को प्रोत्साहित किया जा रहा है। आज जिस गति से, जिस गंभीरता से हेल्थ प्रोफेशनल्स तैयार करने पर काम चल रहा है, वह अभूतपूर्व है। साथियों, आज के इस कार्यक्रम में हमारे हेल्थ सेक्टर के एक बहुत मजबूत स्तंभ की चर्चा की जरूर करना चाहता हूं। अक्सर हमारे इन साथियों की चर्चा छूट जाती है। ये साथी हैं हमारे आशा, एएनएम, आंगनवाड़ी और गांव गांव में डिस्पेंसरियों में तैनात हमारे स्वास्थ्यकर्मी। हमारे ये साथी संक्रमण को रोकने से लेकर दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान तक में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मौसम की स्थितियां, भौगोलिक परिस्थिति कितनी भी विपरीत हो, ये साथी एक एक देशवासी के सुरक्षा के लिए दिन रात जुटे हुए हैं। गांवों में संक्रमण के फैलाव को रोकने में, दूर सुदूर के क्षेत्रों में, पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्र में टीकाकरण अभियान को सफलतापूर्वक चलाने में हमारे इन साथियों ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। 21 जून से देश में टीकाकरण अभियान का विस्तार हो रहा है। उसे भी हमारे ये सारे साथी बहुत ताकत दे रहे हैं, बहुत ऊर्जा दे रहे हैं। मैं आज सार्वजनिक रूप से इनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, इन हमारे सभी साथियों की सराहना करता हूं। साथियों, 21 जून से जो टीकाकरण अभियान शुरू हो रहा है, उससे जुड़ी
अनेक गाइडलाइंस जारी की गई है। अब 18 साल से ऊपर के साथियों को वही सुविधा मिलेगी जो अभी तक 45 साल से ऊपर के हमारे महानुभावों को मिल रही थी। केंद्र सरकार हर देशवासी को टीका लगाने के लिए, मुफ्त टीका लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमें कोरोना प्रोटोकॉल का भी पूरा ध्यान रखना है। मास्क और 2 गज की दूरी ये बहुत जरूरी है। आखिर में मैं ये क्रैश कोर्स करने वाले सभी युवाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मुझे विश्वास है आपकी नई स्किल्स देशवासियों का जीवन बचाने में लगातार काम आएगी और आपको भी अपने जीवन का एक नया प्रवेश एक बहुत ही संतोष देगा, क्योंकि आप जब पहली बार रोजगार के लिए जीवन की शुरुआत कर रहे थे तब आप मानव जीवन की रक्षा में अपने आप को जोड़ रहे थे, लोगों की जिंदगी बचाने के लिए जुड़ रहे थे। पिछले 1.5 साल से रात दिन काम कर रहे हमारे डॉक्टर, हमारी नर्सेस, इतना बोझ उन्होंने झेला है, आपके आने से उनको मदद मिलने वाली है, उनको एक नई ताकत मिलने वाली है। इसलिए ये कोर्स अपने आप में आपकी जिंदगी में एक नया अवसर लेकर के आ रहा है, मानवता की सेवा का, लोक कल्याण का एक विशेष अवसर आपको उपलब्ध हो रहा है। इस पवित्र कार्य के लिए, मानव सेवा के कार्य के लिए ईश्वर आपको बहुत शक्ति दे। आप जल्द से जल्द इस कोर्स का हर बारीकी को सीखें, अपने आप को उत्तम व्यक्ति बनाने का प्रयास करें। आपके पास वो स्किल हो जो हर किसी की जिंदगी बचाने के काम आए।